वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देख के कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वैसे भी बता ही देता हूँ कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस 6 मंथ का जो भी मेरा US में रहा है, और वो अच्छा रहा है कि बुरा रहा है वो आपको पता ही चल जाएगा आगे वीडियो में। और विदाउट फर्दर ड्यू मैं मुझे लगता है कि इसको शुरू करना चाहिए वीडियो को बिना वक्त ज़ाया करे हुए। मुझे लगता है पॉइंट्स पाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जब मैं US में लैंड हुआ था फर्स्ट डे का, कि मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन था जब मैं US लैंड हुआ, एयरपोर्ट से बाहर निकला। तो मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा रिएक्शन ये था कि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला कि बिकॉज जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशबू आई, वो है गांजे की वीड। हाँ जी, यहाँ पे गांजा और वीड मतलब वीड लीगल है यहाँ पे इस कंट्री में, कि कोई भी कर सकता है खुले में कहीं भी कोई भी लोग। अब मैं कहीं सिटी में भी जाता हूँ तो एक ही चीज़ की खुशबू आती है वीड की, और यहाँ पे लीगल है वो वीड। तो उस चीज़ से डील करने के लिए रेडी रहना जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, कि तुम्हें ये बात का पता होना चाहिए कि भाई हाँ वहाँ पे अगर तुम्हें कोई स्मोक करता है उससे इशू है। तो भाई यहाँ पे मैं तो रहता हूँ अभी क्वींस में, इतना इतना वो नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बट स्मोक शो वगैरह यहाँ पे भी है, बट लोग बस इतना नहीं करते हैं खुले में, बाकी जितना सिटी में करते हैं मैनहैटन वहाँ पे तो भाई बुरा हाल है स्मोकिंग का। मतलब तुम लोग टूरिस्ट प्लेस में भी घूमते रहोगे तो आपको वहाँ पर भी वीड की खुशबू आती रहेगी, इसी ने। और बाकी सेकेंड पॉइंट मैं बात करूँ अगले पॉइंट पर, तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि स्टडीज़ के बारे में। स्टडीज़ में मेरा एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल ठीक ठाक ही रहा है, क्योंकि यहाँ की स्टडीज़ इतनी हार्ड नहीं है। बाकी हार्ड इसलिए होती है हमारे लिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता है क्या क्या करने पड़ते हैं, खुद ही लॉन्ड्री करनी है, खाना ही बनाना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट ये नहीं है कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब अगर आप टाइम टेबल से चलोगे या मतलब पूरे मैनेजमेंट करके रखोगे अपना कि आगे मुझे शेड्यूल क्या करना है, आज ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, तो आपको ईजी रहेगा। और मैं भी ऐसे करता हूँ। और आगे आगे बात करूँ मैं स्टडीज़ के अलावा, वैसे स्टडीज़ को मैं बता दूँ कि हाँ भाई स्टडीज़ को इतना लाइटली भी मत लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स होते हैं और किसी किसी को आदत होती है कि पेपर में लिखने की। यहाँ पे असाइनमेंट्स मिलते हैं लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे काम करने की आदत डाल लेना जब भी इंडिया से आओगे तुम लोग। तो क्योंकि मेरे को भी इतना आदत नहीं था लैपटॉप में काम करने का, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो थी, तो उस चीज़ को तुम थोड़ा इन्हेंस करके आना अपने कहीं से भी आ रहे हो आप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आ रहे हो आप लोग, तो उस चीज़ को मैं बोलूँगा आप इन्हेंस करके आना अपने स्किल को। क्योंकि मेरे को जब मैं आया था शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ पेन पेपर पे अभी भी, मतलब मैथ्स की क्लास वगैरह होती है उसमें तो लिख पेन से पेपर से काम हो जाता है, बट असाइनमेंट्स उसके भी लैपटॉप में ही आते हैं, तो आप करके आना थोड़ा बहुत। और अगले पॉइंट्स पर जाऊँ तो मैं अकोमोडेशन की बात करूँ, तो अकोमोडेशन ढूंढना भाई इस टाइम पे लिटल बिट हार्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्या बोलते हैं इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मानूंगा, ये नहीं कि बिल्कुल ढूंढ ही नहीं पाओगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट मानूंगा वो भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ शायद यहाँ पे लीज नहीं कराते हैं, तो मे भी मेरे को इतना उतना डीप में नहीं पता उसके बारे में। अकोमोडेशन के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बात करूंगा आपसे। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होंगे USA में, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं कर सकते यहाँ पे, कर सकते हैं वो भी एक सेमेस्टर के बाद, और वो भी इन कैंपस, आउट कैंपस नहीं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है यहाँ पे जॉब करने के लिए, भाई यही सच है यहाँ का। और बाकी कोई वैसे काम करना चाहता है तो वो कर ही सकता है, बट एज F1 स्टूडेंट मतलब F1 वीज़ा होल्डर यू आर नॉट एबल टू वर्क इन द US, और वर्क सिर्फ आप लोग कर सकते हो इन कैंपस, आउट कैंपस नहीं कर सकते, जैसे कि बाहर आपने स्टोर वगैरह में काम नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर बस कॉलेज में अगर कोई कैंटीन है या फिर वर्कशॉप है या फिर कोई ट्यूटरिंग का कोई काम है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, कि भाई वो भी एक सेमेस्टर के बाद, क्योंकि एक सेमेस्टर में आपका वो आ जाता है रिजल्ट आ जाता है, तो आपके रिजल्ट को देख के और आपका शेड्यूल मैच करके वो देखते हैं कि हाँ। कभी कभी कॉलेज में मुश्किल होता है जॉब ढूंढना, बता दूं मैं, जॉब ढूंढना यहाँ पे इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, बाकी उतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप लोगों को वैसे काम करना है तो भाई वो कर सकते हो, क्योंकि वो काम में भी यहाँ पे आपको मैंने बोला कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रखे हैं, तो
उनको प्रेफर करेंगे स्टूडेंट से ज़्यादा, तो भी प्रिपेयर रहो क्या ना भाई तुम अच्छे से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा शायद, हाँ एक मेन पॉइंट आपको मैंने बताना ही भूल गया यार, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। भाई यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ट है यूएस का, मे बी मेरे को लगता है, और दूसरों का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता कैसा होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क का ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मे बी। समटाइम्स रात को ट्रैवल करोगे तो भाई ट्रेन लेट चलती है, आधा घंटा एक घंटा कभी कभी आती है, आती नहीं है, ऐसा होता है रात को तो। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो ईजी है, जैसे एज़ कम्पेयर टू कैलिफोर्निया या फिर कोई दूसरी स्टेट है, तो न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट आई थिंक। और क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे बनते हैं कार्ड, कैन आई, लेट मी शो यू, मे बी मेरे पास हो यहाँ पे। यहाँ पे एक बनेगा अपना कार्ड ऐसा, मेट्रो कार्ड, तो ये बस में भी चलता है और मेट्रो में भी चलता है। तो इसमें ये तो मंथ का एक रिचार्ज होता है $134 का, पूरे मंथ का अनलिमिटेड होता है, उसमें कितने भी टैप मारो, कितना भी कितनी बार जाओ वो फ्री रहेगा, और बाकी अपने हिसाब से पैसे भी डलवा सकते हो इसमें, $10 $20 आपको कम यूज़ होता है, अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। MTA की तरफ से है ये मेट्रो कार्ड, ये आओगे तो बनवा लेना अगर आपको फर्स्ट में, तो जैसे कि आप लैंड हुए, लैंड होते हैं अगर आप JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड हो रहे हो, तो आपको जैसे बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने से पहले आपको ये कार्ड बनवा लेना है, क्योंकि बहुत सही रहता है, कन्वीनियंट है, आपको बनवाना है तो बनवा लेना, नहीं तो आप कार्ड भी यूज़ कर सकते, नहीं तो अपना अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड वगैरह कहीं टैप के लिए। बट मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, क्योंकि $134 वर्थ रहते हैं, पूरे मंथ का आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी, मतलब ओनली इन न्यूयॉर्क, और आउट ऑफ न्यूयॉर्क नहीं चलेगा, कहीं आप सोच रहे न्यू जर्सी चलेगा, नहीं, ओनली इन न्यूयॉर्क दिस विल वर्क। और ट्रांसपोर्टेशन का अभी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे। वेदर के बारे में आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे वेदर थोड़ा अजीब व गरीब है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, मेरे को तो इतना मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा यहाँ पे वेदर के साथ, क्योंकि यहाँ पे हर अगर वीकडेज अच्छा है तो वीकेंड पे बारिश, हमेशा यहाँ पे वीकेंड पे बारिश हो जाती है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है तो, और हमारा वीकेंड हमेशा ठंडा पड़ जाता है, तो कहीं घूमने का प्लान हो या फिर कुछ हो तो उसमें मात खा जाते हैं हम। और बाकी वेदर समर्स में तो अच्छा ही है, यहाँ पे समर्स में भी बारिश हो जाती है, ये भी मैंने देखा है, जब मैं आया था, मेरे को आए हुए पूरे 6 मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ से थोड़ा ऊपर हो चुके हैं, अगस्त में आया था मैं, अगस्त के लास्ट लास्ट में, तो अगस्त से मैंने देखा देख रखा है यहाँ पे कि बारिश हो रखी है यहाँ पे, अभी भी कल परसों बारिश हुई है और आज। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि भाई पता नहीं डे लाइट सेविंग कुछ बोलते हैं यूएस में, तो आज 1 घंटा मतलब कि हमें हमसे छीन ले गया कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आता से, मतलब 12 बजे ना, तो 12 बजे 12 की जगह वहाँ 11 बज गए, तो 1 घंटा खा लिया, मतलब खा लिया पता नहीं ऐड कर दिया ऐसा कुछ, मतलब कि 1 घंटा में एक्स्ट्रा मिल जाएगा डे लाइट में रहने का, ये कि जैसे 5 बजे सनसेट होता था तो मतलब 6 बजे सनसेट होएगा, ऐसा सीन है। और वेदर को लेकर मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं यहाँ पे, वेदर के लेकर तो यहाँ कोई भी सेटिस्फाई नहीं, मे भी क्योंकि विंटर्स में तो ऐसा होता है कि 2 बजे कभी कभी 1:30 बजे 2:30 बजे ऐसा अंधेरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि रात ही हो गई, और इतना डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है, तो उस चीज़ से तो डील करना पड़ेगा। सर्दियों में तो भाई धूप, और धूप भी निकलते हैं ना, तो धूप निकली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आज तो कम क्लोज डालेंगे, भाई धूप निकली तो इसका मतलब ये समझ लेना कि यहाँ पे विंडी विंड चलेगी तगड़ी, और विंड चल रही हो तो भाई साहब बहुत ठंड रहती है यहाँ पे, तो उस चीज़ का भी है। और हाँ, और ये भी बात बता दूँ मैं कि लोग भाई बोलते हैं कि इंडिया से अपना क्लोथिंग लेके आना, जैकेट लेके आना, मतलब इंडिया से मत लेके आना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंडिया से विंटर जैकेट लेके आना और कपड़े लेके आना, अपने इंडिया से ले आना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क की विंटर्स इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है कि एज़ कम्पेयर टू कैनेडा या फिर USA के कुछ स्टेट्स होते हैं, कोलोराडो वगैरह कुछ भी होंगे, इट एज़ कम्पेयर टू देम न्यूयॉर्क में इतनी ठंड नहीं है, और बर्फ़ कभी कभी पड़ती है यहाँ पे, मतलब मान लो अब की बार सिर्फ 3 बार ही स्नो हुआ था, तो आप इमेजिन कर सकते हो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। आपके इंडिया के कपड़े भी यहाँ पे काम करेंगे, विंटर्स बचा लेंगे, विंटर्स में आपको बचा लेंगे, और यहाँ पे जब कुछ लेना हो तो वो भी ले सकते हो, बाकी इंडिया की विंटर जैकेट विल वर्क हेयर, ओके दैट्स इट। और बाकी ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस तो मेरा भाई गुड ही था। और बाकी मैं आपको एक टिप और दे दूँ कि इंडिया से जब आप आ रहे हो गए, इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो भाई बी प्रिपेयर होके आना, मतलब मेंटली प्रिपेयर होके आना कि भाई यहाँ पे बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि
क्योंकि आपको यहाँ अकेला रहना, आके नए फ्रेंड्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा, कुकिंग करनी है आपको, खाना टाइम पे कभी कभी नहीं हो पाएगा आप लोगों का, और क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स भी है, तो वर्कलोड ज़्यादा होगा आपको, और कोई कोई किसी को जॉब भी लगेगी, तो साथ में साथ जॉब, असाइनमेंट्स, वर्क, अपना स्कूल का वर्क हो गया, अपना सब कुछ टाइम निकालना, खाना बनाना है, लॉन्ड्री करनी है, सब कुछ करना, तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया ना। मैं तो बस यही टिप दूंगा आपको, फिजिकली तो प्रिपेयर रहना ही आपको, और बट मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर रहना है। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा यही था कि अच्छा था, और देखते हैं आगे, पूरा साल पड़ा है अभी, तो 6 महीने और हैं, तो एक साल का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको कि कैसा रहा मेरा, और फिलहाल तो मेरा अच्छे जा रहा है, फ्रेंड्स मिले हुए अच्छे, और मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और तब तक के लिए बाय, और नई फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे आपको, बाय।